हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरोट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज सभी के लिए मैं आज एक रीडिंग कर रही हूँ, और रीडिंग का टॉपिक है आपकी कौन सी इच्छा, कौन सी विश पूरी हो सकती है बहुत जल्द। ठीक है, तो आने वाले टाइम में कौन सी विश आपकी पूरी हो जाएगी जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो भी विश है, इवन चाहे यूनिवर्स आपको सरप्राइज करने वाले हैं, एंजल आपको सरप्राइज करने वाले हैं, तो वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है, वो विश क्या हो सकती है। ठीक है, तो सरप्राइज़ और विश दोनों के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। ठीक है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रीडिंग के लिए, और देखेंगे क्या सरप्राइज़ ब्लेसिंग आपकी विशेस पूरी हो सकती है। ठीक है, बहुत जल्द। तो गाइस, मैं रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और आज मैंने मॉर्निंग में गाइडेंस जब मैं पता कर रही थी आज के दिन के लिए, तो डेफिनेटली वहाँ पर ऐसा था कि यूनिवर्स आज आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। और आप में से बहुत सारे लोगों को आज गुड न्यूज़ मिली भी है, किसी की जॉब लगी है, किसी के पार्टनर ने कॉल किया है, किसी के पार्टनर ने उनको अनब्लॉक कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं सबके कमेंट तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन जितनों के मैं पढ़ पाई, मैंने आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही हूँ कि आपका आज जो भी आपकी विश थी वो पूरी हो गई है, यूनिवर्स ने आपको सरप्राइज़ किया। ठीक है, तो जिनों की विश पूरी नहीं हुई है, जिनको वेट करना पड़ रहा है, या जिनकी पूरी भी हो गई है, तो देखेंगे आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जिनकी नहीं हुई है कोई बात नहीं, जिनकी विश पूरी नहीं हुई, सरप्राइज़ नहीं मिला, तो देखेंगे अब देखेंगे रीडिंग में कि आगे क्या होगा आपके साथ। ठीक है, क्या कौन से विश आपकी पूरी हो जाएगी और यूनिवर्स आपको क्या सरप्राइज़ देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातों पर रीडिंग करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। Five of Wands, okay. Eight of Swords, okay. Knight of Wands. Queen of Pentacles. Six of Wands. Tower. Hermit. Okay, Page of Cups. Bottom the deck se hai Three of Cups. Okay. तो cards निकाल लिए हैं guys मैंने, और देखते हैं क्या है आपके लिए। देखिए, आपकी life में इस time बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, हो सकता है अभी आप लाइफ के ऐसे फेज में हैं जहाँ पे सब कुछ जकड़ा हुआ है और मिक्स है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा, आगे का विज़न इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है आपको, क्योंकि आप अभी कुछ किसी सिचुएशन में स्टक हैं। ठीक है, आप देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो करना ही करना है। ठीक है, कुछ ऐसे काम हैं आपके, कुछ भी हो सकता है। देखो, किसी के लिए हो सकता है कि उनको इतना डेवलप करना है खुद को, इतना मतलब कम एज में इतना अचीवमेंट्स पानी है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें, अपने लिए घर खरीद लें, अपने लिए गाड़ी। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो कि यहाँ पर लव लाइफ के बारे में जानने के लिए आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपकी लव लाइफ
तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आपका करियर ठीक नहीं हो जाता, जब तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंस, पूरा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते, कॉन्फिडेंट जब तक आपके अंदर नहीं आएगा ना, तब तक आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं आपको स्टक ही मिलेगी, ठीक है। और अभी आप कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से आपको निकलना है, ठीक है। कुछ काम है आपके, अब आपके वो काम क्या हो सकते हैं, किसी के लिए एग्ज़ाम हो सकता है, किसी के लिए कोई बिजनेस डील हो सकती है, किसी के लिए सेविंग करना है, सेविंग करके कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, कार खरीदना है, कोई भी आपका कुछ ऐसे काम है जिसमें अभी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा क्योंकि अभी आप किसी सिचुएशन में, कंडीशंस में ना फंसे हुए हो, ठीक है। और जब तक ऐसा आपका माइंड कहता है, आपका हार्ट कहता है कि जब तक आप ये काम नहीं कर लोगे ना, शायद तब तक आप डिले फेस करोगे, ये आपका दिल भी कहता है, ठीक है। आप अपनी डेस्टिनी के पास तब तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप यहाँ से, इन साइकिल से, इन सर्कमस्टांसेस से खुद को नहीं निकाल लोगे, ठीक है। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आई होप कि आप मेरे को समझ पा रहे हैं जो भी मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप एक्शन लेते हैं आपके जो भी इस टाइम, देखो मैं आपको बताती हूँ आप क्या गलती कर सकते हैं। आप ऐसे सोच रहे होंगे, देखो सपोज दैट एक सीढ़ी है, आपको चढ़ना है उस पर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको अपना ऊपर आना है। तो आप, हो सकता है कि इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप पूरा होल स्टेयर्स के बारे में सोच रहे हो, आप टॉप के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में अभी सोचो मत। आपको क्या सोचना है कि जो स्टेयर जिस पर आप कदम रख रहे हो उस पर मैं ठीक तरीके से कैसे चढ़ूं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना है। और आपको टॉप के बारे में ना सोच के करंट सिचुएशन में आप कहाँ हो, क्या चीज़ें, किन चीज़ों के साथ आपको डील करना है, किन चीज़ों को आपको फिगर आउट करना है और किन चीज़ों में आपको डील करके आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचिए। आप अगर पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो फिर डेफिनेटली डिले भी बढ़ेगा और आप इन सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो यही चीज़ें आपको अभी इस टाइम सोचने की ज़रूरत है, इस चीज़ पर आपको स्टेप ले लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है आप स्टेप ले, कुछ लोग ले भी रहे हैं लेकिन कुछ लोग स्टक हैं, कुछ लोग स्टक हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपकी लाइफ में अभी टावर मोमेंट भी चल रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में हार्डशिप है, वो बात अलग है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं तो आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको लाइफ बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, सीखिए लाइफ से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप के बारे में ना सोच के करंट सिचुएशन, आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, उस चीज़ के बारे में सोचकर उसको कैसे आपको मैनेज करना है, उसको कैसे आपको हील करना है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग में चेंज लेकर आना पड़ेगा, टेंशन आपको छोड़नी पड़ेगी। और डेफिनेटली इस टाइम आपको अपने वर्क पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका वर्क ठीक हो जाता है तो आपके दूसरे फैक्टर भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस आप गेन करेंगे, एनर्जी आप गेन करेंगे। जब इंसान सक्सेसफुल होता है तो वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पॉजिटिव उसके अराउंड होती है, तो वो बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में तो विक्ट्री है, उनको तो आगे काफ़ी एक्साइटेड न्यूज़ और बहुत हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस उनको मिलने वाला है। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाएंगे अगर आप रेडी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप, मैंने जैसे कि बताया कि टॉप के बारे में कि आपको बस ऊपर जाना है, टॉप, आपको वो चीज़ हासिल करनी है, तो फिर आप कुछ भी हो सकता है, आप नीचे गिर सकते हैं, आपको फिर परेशानियां होगी, ठीक है। चीज़ें वैसे नहीं चलेगी जैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। आप फर्स्ट स्टेयर से टॉप पर जंप नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और अपनी हीलिंग और अपना फोकस रखेंगे, ठीक है, करंट सिचुएशंस पर, तो डेफिनेटली आपको विक्ट्री भी मिलेगी आपकी लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो शेयर करनी थी, और डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कार्ड्स मुझे यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, कॉन्फिडेंट हो जाइए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए फुल ऑफ कॉन्फिडेंट के साथ, और पॉजिटिव रहिए। अभी किसी चीज़ों में स्टक हो उनके साथ कैसे डील करना है, अभी कुछ भी हो सकता है, एग्जाम, न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट,
कोई डील, कुछ भी हो सकता है ये, इस पर अपना ध्यान लगाइए। अपनी करंट लाइफ को जीना सीखिए, ठीक है। फ्यूचर के बारे में सोचिए मत, फ्यूचर किसने देखा है, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं ना, तो इस पर फोकस रखिए अपना, ठीक है। अदरवाइज डेफिनेटली आपके पास ब्लेसिंग आ रही है, आपके पास विक्ट्री आ रही है, और मुझे लगता है कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में, और इससे बड़ा एक डेवलपमेंट, एक विश पूरा होना क्या हो सकता है, ठीक है, कि आपकी सोल ग्रो करे। और देखते हैं गाइज और आपके लिए क्या है, लेट्स सी। ओके, वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके वी हैव चैरियट, विक्ट्री। मुझे लगता है डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलनी है, आपकी जीत होगी आगे चलकर, टेंशन आपकी हटेगी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की विश होगी कि आप टेंशन फ्री हो जाएं, तो होगा, वैसे भी ऐसा भी होगा, हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद आप फुल ऑफ पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है गाइस। लेट्स सी मोर, या सेवन ऑफ वैंड, सेवन इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, और एंजल नंबर भी है, ठीक है। तो मुझे आप स्टैंड लेते हुए दिखोगे, और डेफिनेटली आप कंसीडर करेंगे पास्ट में आप क्या मिस्टेक कर रहे थे, और अब आने वाले टाइम में आप में क्या चेंज आया। आप एक एम्परर की पोजीशन हासिल करेंगे बहुत जल्द, ठीक है, मुझे दिख रहा है। एम्परर, चैरियट एंड द सिक्स ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये विक्ट्री के कार्ड्स हैं सारे। आपको ऑनर मिलेगा गाइज। देखो, मैं आपकी लव लाइफ में तो नहीं श्योर हूँ अभी, क्योंकि लव लाइफ के लिए ऐसा कोई कार्ड नहीं आया, लेकिन मैं आपके करियर के रिगार्डिंग आपको सरप्राइज मिलेगा, आपकी विशेस पूरी हो जाएगी। अगर आपको एक ऑनर का दर्जा हासिल करना है, आपको अपनी लाइफ में विक्ट्री पानी है, तो डेफिनेटली आपकी टेंशन भी खत्म होगी, आपका आपके वर्क में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो गाइज, आपकी कौन सी विश पूरी होगी, आपका आप स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप फोकस करते हैं तो। अभी कुछ सिचुएशंस हैं जो अभी थोड़ा उलझी हुई हैं, बट अगर आप इस पर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली ये शॉर्ट आउट हो जाएगी, और सॉर्ट आउट होने के बाद आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन से गो थ्रू कर रहे हो, टावर मूवमेंट भी है, लेकिन फिर भी हिम्मत रखी है, काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं ऐसा कर पा रहे, उनको हिम्मत रख के काम करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज यूनिवर्स आपके साथ हैं। आपको करियर में काफ़ी विक्ट्री और डेफिनेटली काफ़ी अप्रिशिएशन, ऑनर आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी, और अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।